गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का आपका जो चैप्टर चल रहा है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं सारा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस तक मैंने आपको कल कराया था कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा, उसका हाफ ऑर्डर क्या होगा, उसका कम्प्लीकेशन टाइम क्या होगा और हाफ ऑर्डर और कम्प्लीटेशन टाइम के अंदर रिलेशन क्या होगा. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे. ठीक है, हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का. बोर्ड को लेकर अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर आपके एग्जाम में आता है, चाहे उसका डेरिवेशन हो, चाहे उसकी हाफ लाइफ हो, चाहे उसका न्यूमेरिकल हो. ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ मिलेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑफ रिएक्शन. मैं कह रही हूँ बेटा ए इज प्रोडक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जिसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कंसंट्रेशन की पावर 1 पे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज योर ऑर्डर. तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, के इंटू ए. ठीक है, क्लियर है मेरी बात. तो ऐसी रिएक्शंस अगर हम यहीं पर थोड़ा सा स्टडी करें इसे, दैट इज रेट इज इक्वल टू के इंटू ए. तो वाई इज इक्वल टू एम एच बेटा, ये वाला ग्राफ बन रहा है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं बिटवीन रेट एंड ए इज योर क्या है कंसंट्रेशन, तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाऊंगी तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर, कल मैं आपको बता चुकी हूँ कल वाले लेक्चर में 3-4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, उन्हीं को हमें यूज करना है. हमें मैथ ज्यादा नहीं सीखना है, जितनी भी आपको दे रखे हो, आपको लाइन्स दे रखी हो, इक्वेशंस दे रखी हूँ, आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, दैट इज एम. एम यहाँ पर क्या है बच्चा, पॉजिटिव. तो अब तक आपने देखा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मैंने एक इक्वेशन ली ए गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की पावर के 1 के, दैट इज ऑर्डर 1 है बेटा. रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स. सेम ग्राफ बन रहा है. तो वाई क्या है यहाँ पर रेट, एक्स क्या है यहाँ कंसंट्रेशन, एम क्या होगा स्लोप, दैट इज के. क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, समझ आ गया. उसके बाद हम चलते हैं बेटा जी इसके डेरिवेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेशन की तरफ. ए से आपको मैंने बोला क्या मिले हैं बेटा, प्रोडक्ट्स मिले. ठीक है, जब टाइम जीरो होगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी राजे, ए जीरो. और जब टाइम कुछ होगा मतलब थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इसकी, घटेगी. जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो मैंने बोला ए टी बन गई, मतलब कुछ बन गई एट टाइम टी, कोई कॉन्सेंट्रेशन बन गई जो कि ए जीरो से क्या है कम है. क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे जिसमें बेटा प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हैं जिस टाइम पर स्टार्टिंग ऑफ अ रिएक्शन है प्रोडक्ट क्या होगा बेटा जीरो. और जब कुछ टाइम होगा मतलब थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो आपके कुछ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके होंगे किसमें, प्रोडक्ट में. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट क्या बन सकता है, एक्स बन सकता है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने इसका ले लिया अमाउंट बेटा ए, और इस ए में से कुछ घटा कितना बेटा एक्स, और वो एक्स क्या बना आपका प्रोडक्ट. क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेट की. तो सबसे पहले रेट, रेट इज इक्वल टू माइनस बोलो डी ऑफ क्या आएगा एटी बाय डीटी. दिस इज योर रेट, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला. और दूसरा रेट इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू एटी की पावर कितना है बेटा. क्लियर होगी मेरी बात, बोथ आर रेट, दोनों के दोनों आपके पास क्या है बेटा जी रेट है. तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे.
दोनों इक्वेट करने के बाद आपके पास आ गया डी ऑफ ए टी बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू में ए टी। अब बच्चा एटी एटी वाले एक तरफ और टी उधर ले जाएंगे, तो ए टी इधर ले जाओ, माइनस डी ऑफ ए टी बाय कितना ए टी इज इक्वल टू उधर ले गई मैं के इंटू में, ये वाला माइनस भी उधर चला जाएगा बेटा जी माइनस। क्लियर? यहां पर करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका देखिए क्या बनेगा, डी ऑफ ए टी बाय डी टी इंटीग्रेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के ऑफ। क्लियर? मैंने कल आपको एक इंटीग्रेशन बताया था बेटा, डी ऑफ एक्स का कितना होता है एक्स, इसी तरह से बोलो वन बाय डी एक्स का कितना हो जाएगा वो भी इज इक्वल यहाँ पर ए। ठीक है, वन बाय एक्स इंटू डी एक्स का कितना होगा बेटा एल एन ऑफ एक्स, कितना होगा एल एन ऑफ एक्स, एल एन क्या है नेचुरल पावर से लॉग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी ऑफ ए टी तो ये डी एक्स बन गया। ठीक है, तो है क्या आपका एक तरह से वन बाई ए टी, इसको अगर लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना इंटू में डी ऑफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू में। क्लियर हुई बात बेटा मेरी? तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन ऑफ एक्स, तो यहां से आ गया एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट बेटा डी टी का कितना होगा टी प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट दैट इज आई, या फिर कॉन्स्टेंट सी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कल ही बताया था आई की वैल्यू निकालेंगे एट इनिशियल कंडीशन, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो होगा ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ए जीरो, ए टी इज इक्वल टू ए जीरो पुट कर दीजिए कितना होगा एल एन ऑफ ए जीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस में आई, एल एन ऑफ ए जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आई। इस आई की वैल्यू इस इक्वेशन में दोबारा से वापस बैक पुट करेंगे, जब ये वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो आपका बनेगा एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ ए। क्लियर बेटा? जरा ध्यान दीजिए, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, सिंपल इक्वेशन बन रही है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली। अब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस सी होता तो हमारा ग्राफ कुछ ये होता, अब माइनस सी है माइनस के है तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा अलग होगा, दैट इज एल एन ऑफ ए टी और किसके बीच में है वेरिएबल दैट इज डाउन रहेगा यहां से यहां तक स्लोप सी, सी की वैल्यू क्या है बेटा एल एन ऑफ ए जीरो, एल एन ऑफ ए जीरो। ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी यहां एम को क्या कंपेयर करो कितना आएगा माइनस ऑफ, दिस इज अबाउट योर इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसको आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे हमारे पास इक्वेशन है बेटा, आपके पास क्या इक्वेशन आई है एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस एल एन ऑफ ए। बेटा इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, के टी इज इक्वल टू कितना बनेगा एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए टी। नेक्स्ट के इज इक्वल टू, या इसको अभी अगर ऐसे ही रखें हम, के टी इज इक्वल टू क्या बनेगा
ln of a माइनस बी, ln of a माइनस बी, ln of a माइनस ln of b हमेशा होता है ln of a बाय बी. तो ln of a नॉट बाय बी दैट इज कितना है बेटा, ए बी. क्लियर है? ठीक है. दिस इज ऑल्सो अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स. इससे कंपेयर आसानी से किया जा सकता है इसे दोबारा से. ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट अनदर ग्राफ. y की जगह आप लिखेंगे ln of a नॉट बाय ए टी. बाय में इधर कितना है बेटा t. y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और स्लोप यहां पर क्या बनेगा बेटा, अगेन t. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है. नाउ वी कन्वर्ट द ln into logarithm value. ln को नेचुरल log में हम कन्वर्ट करेंगे बेस टू द पावर 10. तो इक्वेशन आपके पास यहीं से उठाएंगे. दिस इज योर इक्वेशन बेटा. ln को याद रखिए, ln को जब भी आप log में कन्वर्ट करते हैं ठीक है, तो वो वैल्यू हमेशा 2.303 इंटू लॉग जाती है. अगर एल एन ऑफ, यहाँ आप लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.30 इंटू लॉग ऑफ एक्स. क्लियर है? तो एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू लिख दो बेटा 2.303 इंटू लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू सेम माइनस के टी प्लस एल एन को फिर चेंज करेंगे लॉग में तो 2.303 इंटू लॉग ऑफ ए सी. कोई डाउट यहां तक? 2.303 ये सारा का सारा सिस्टम इधर ले आओ, तो 2.303 इंटू लॉग ऑफ, मैं डायरेक्ट कर रही हूं बेटा ए नॉट माइनस 2.303 लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए टी. मैं ये वाला सिस्टम इधर लेके आई हूं और माइनस कॉमन लिया. क्लियर है? 2.303 इज कॉमन, कॉमन आ रहा है बेटा, ले लीजिए. तो लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए टी. 2.303 यहां से कॉमन लिया, यहां डिवाइड हो गया. क्लियर? लॉग ए माइनस लॉग बी अगेन क्या बन जाएगा, लॉग ए बाय बी. लॉग ए नॉट एटी इज इक्वल टू के बाय 2.303 इंटू एटी. कोई डाउट बेटा? अगेन वी आर कंपेयरिंग वाई इज इक्वल टू एम एच, वाई इज इक्वल टू अगेन एम एच. तो एम यहां पर क्या आएगा, के बाय 2.303. यहां पर ग्राफ बनाएंगे हम लॉग ऑफ एटी by a, sorry a नॉट by at is equal to इधर कितना है बेटा time t. straight line graph है, इसमें slope की value कितनी आएगी, k by 2.30. clear है यहां तक भाई? ठीक है. y is equal to mx की form में भी देख लेते हैं. हाँ जी, आपके पास इक्वेशन इस वाली को लेंगे आप, दिस इक्वेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303 इंटू टी प्लस लॉग ऑफ ए. मैंने क्या किया है, पूरी इक्वेशन में से सिर्फ लॉग ऑफ, लॉग के साथ जो 2.30 से कॉमन लिया है तो यहां से कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया, इसके पास नहीं था तो डिवाइड आ गया. दैट्स y इज इक्वल टू कितना बन रहा है, माइनस एम एक्स प्लस सी. कर सकते हो कंपेयर यहां से दोबारा, डन. यहां से अगर मैं बात करूं y की जगह आपका क्या आएगा, लॉग ऑफ ए टी. इस तरफ मैं बात करूं तो क्या आएगा, x क्या है, t. नेगेटिव स्लोप है बेटा यहां से यहां, ये जो वैल्यू है इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं. सी, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, log of a नॉट. स्लोप इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के बाय
2.30। तो आपने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ग्राफ्स की? लास्ट ईयर का सीबीएसई क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो स्टार्टिंग के फेज में आते हैं 1-1 मार्क वाले में, उसमें आपके 5 ऑप्शंस थे और उसके अंदर एक ग्राफ दिया हुआ था, आपसे स्लोप की वैल्यू पूछ रखी थी, दैट इज एंगल। तो स्लोप आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उन्होंने इक्वेशन दे रखी थी फर्स्ट ऑर्डर की, आपने उसको रीअरेंज करके स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यू गेट योर एक्स, यू गेट योर वाई, यू गेट योर इंटरसेप्ट एंड यू गेट योर व्हाट स्लोप। ये चारों पांचों वैल्यूज उसमें पूछ रखी थी और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो बहुत ईजी है, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि नीट और जेई मेन्स में सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफ। ग्राफ आपको गिवन होंगे और आपको ग्राफ देख के पहचानना होगा ये कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे हम देखते हैं बेटा जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड की हाफ लाइफ कितनी है। ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड की आपकी हाफ लाइफ कितनी होगी, तो कैलकुलेट करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, आपके पास क्या आया हुआ है बेटा, लॉग ऑफ, बोलिए कितना आया है, ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के बाय में 2.303 इंटू में टी। दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन, आप इसे माइनस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने लास्ट इक्वेशन पिक किया। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म बन रही है, इजीली ग्राफ यू कैन प्रिपेयर। हो सकता है ग्राफ यहाँ से, दिस इज योर y, दिस इज योर x, स्लोप क्या होगा k बाय 2.303 और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स का। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू टी हाफ बेटा, अगर बाय चांस आधा टाइम हुआ है तो कंसंट्रेशन भी कितनी हो चुकी होगी, आधी। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, ए नॉट, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू। आधे टाइम में आपकी आधी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी होगी, फिनिश हो चुकी होगी। एग्जैक्ट क्लियर? हाफ टाइम का मतलब क्या होता है, हाफ टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें मेरी कंसंट्रेशन आधी हो जाए। मतलब मैंने 100 ग्राम लिया है कोई भी सब्सटेंस, मैंने 100 ग्राम लिया है बेटा, तो 100 ग्राम से कितने ग्राम बन गया वो 50, 50 से फिर कितना बने, 50 का आधा कितना होता है 25, 25 से फिर आधा कितना होगा 12.5। बात समझ आई? तो इसमें अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो इसमें भी 10 लगेंगे, इसमें भी 10। दिस इज माई हाफ टाइम। हाफ टाइम का मतलब व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ द फाइनल्स। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपने ली है उसकी आधी हो जाए, जितने टाइम में आधी होगी उसे हम बोलेंगे टी हाफ। क्या बोलेंगे, टी हाफ या फिर हाफ लाइफ। क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है, तो हाफ लाइफ में सिंपल है बेटा कि टाइम को टी हाफ लिख सकते हैं, है ना, और कंसंट्रेशन मेरी फाइनल वाली कितनी हो जाएगी, मतलब आधी होगी, शुरुआत की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहां ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय टू इज इक्वल टू के बाय 2.303 इंटू में टी। क्लियर बेटा? ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू के बाय 2.303 इंटू में टी। सारा ले जाओ बेटा, ये लॉग ऑफ 2 इंटू में 2.303 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, टी हाफ। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.301 इंटू कितना होगा 2.303 डिवाइडेड बाय में के इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, टी हाफ। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं इसमें, समझ आ गया? ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। यहां तक कोई डाउट बेटा जी किसी को? क्या कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन नजर आ रही है टी हाफ में? नहीं आ रही है। दैट मीन्स टी हाफ ऑफ माई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द किसके, कंसंट्रेशन। दैट इज मैं कह सकती हूँ कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 0। मतलब मेरी हाफ लाइफ मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती।
चाहे मैं 100 ग्राम ले लूं, चाहे 50 ग्राम ले लूं इनिशियल कंसंट्रेशन, चाहे 500 ग्राम ले लूं, मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन पे मेरी हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करेगी। कोई डाउट बेटा यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छे से समझ आया? तो अगर मुझे टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना हो तो डिपेंड तो नहीं करती ना बेटा, डिपेंड नहीं करती, तो दैट इज डिपेंड करती ही नहीं है। कोई डाउट यहां तक क्लियर हो गया? इसी के साथ हम करते हैं बेटा कॉम्पिटिशन टाइम। कंप्लीटेशन टाइम की अगर मैं बात करूं बेटा, मतलब कितनी देर में ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन कंप्लीटेशन टाइम में। तो सिंपल सी बात है कि इनिशियल जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो, कुछ नहीं बचेगा। कंप्लीटेशन का मतलब है जब रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी ऑफ 100%। क्लियर है बेटा? सेम पुट कीजिए इस इक्वेशन में, लॉग ऑफ बोलो, एटी क्या है बेटा? जीरो। तो लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन में कितना है बेटा? जीरो इज इक्वल टू के बाय 2.303 इंटू में टी ऑफ 100%। क्लियर? क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है ये? नहीं। इसका मतलब टी 100 मेरा यहां पर क्या होता है? इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी आएगी बेटा वैल्यू। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। इसका मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट में देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लाइफ में कभी भी कंप्लीट नहीं होती, मतलब उसको इन्फिनिटी टाइम्स चलना पड़ेगा। कैसे? देखो आप आसानी से बता सकते हैं, ए जीरो लिया बेटा, हाफ टाइम में कितना हो जाएगा? ए नॉट बाय टू, और हाफ में कितना हो जाएगा? ए नॉट बाय फोर, और हाफ में कितना हो जाएगा बोलो? 1/2 और 8, और हाफ में ए जीरो बाय 16, और हाफ में ए जीरो बाय 32, और हाफ में ए जीरो बाय 64। तो क्या कभी जीरो होएगा? ये ऑब्वियसली बात है नहीं होएगा। ठीक है, एक वैल्यू रहेगी, वो नेग्लेजिबल रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, लेकिन इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। बात समझ आ गई बेटा जी? क्लियर हुआ है? क्योंकि टी हाफ की वैल्यू हमारी डायरेक्ट डिपेंड ही नहीं करती कंसंट्रेशन पे। बात समझ आई? क्लियर? तो इमेजिनेशन के थ्रू, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीटेशन टाइम आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो यू विल सेट इट इज इमेजिनरी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्फिनिटी टाइम्स में कंप्लीट होगी, इन्फिनिटी टी हाफ उसमें चलेगी। क्लियर होगी बात मेरी? मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्लियर? आगे हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाता है। आपने अभी भी किया कि ln ऑफ at इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln ऑफ a, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप कह सकते हैं a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। कोई डाउट बेटा? नेचुरल लॉग को जब भी आप हटाते हैं ना, इसको यहां से हटाते हैं, तो वहां वो e की फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में चला जाता है? e की फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहां से मैं नेचुरल लॉग हटा रही हूं, ये बनेगा बेटा a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस, माइनस आएगा प्लस आएगा, ए टी माइनस ए नॉट बनेगा ना, तो ए नॉट बाय, हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, उलट दो इसे, ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1/e की पावर ऑफ kt। क्लियर? इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा ए टी बाय ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ kt। ठीक है बेटा जी? यहां से मैंने ये किया है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ at, e की पावर माइनस के टी मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा? व्हाट इज इट? 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपसे पूछे कि कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, कैसे निकालोगे? ऐसे at की वैल्यू कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t,
जितना भी टाइम आपको दे रखा है 15 सेकंड 20 सेकंड, ये कंपटीशन में आता है बेटा, 15 से 20 सेकंड, 50 सेकंड, 15 मिनट, 1 घंटा, जो टाइम आपको दे रखा है उस टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन बची है, अमाउंट लेफ्ट है ये एट टाइम टी, मतलब 15 सेकंड के बाद कितना अमाउंट बचा। जैसे 100 ग्राम लिया था, रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है और मैं कह रही हूँ 25 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि 22 सेकंड पे आफ्टर 22 सेकंड कितना अमाउंट बचा है। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 22 रख के के ए नॉट ए टी की वैल्यू मतलब रख के आप ए टी की वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाई इक्वल टू एमएक्स बन रहा है ना, वाई इक्वल टू एमएक्स बन रहा है, सबको आसानी से दिख रहा है, वाई ये क्या है एक्स, ये क्या है स्लोप। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा ही किस फॉर्म में चलते हैं बेटा जी, बोलो। ए यहाँ पर ये इतनी वैल्यू थी, इस तरह से दिस इज फॉर रिएक्टेंट क्योंकि कंसेंट्रेशन घट रही है, और प्रोडक्ट के लिए यही ग्राफ क्या होगा बेटा, मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन ना जाके क्या रहेगी, कर्व रहेगी, दीज आर द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, किस किसके बीच में है बेटा, कंसेंट्रेशन में टाइम, ए टी क्या है कंसेंट्रेशन, ई और के तो कॉन्स्टेंट है तो वेरिएबल क्या होगा दूसरा टाइम, तो ग्राफ विल बी बिटवीन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन एंड यहां पर क्या हो जाएगा आपका टाइम, दिस इज फॉर रिएक्टेंट बेटा, दिस इज फॉर क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती है प्रोडक्ट की बढ़ती है, तो दोनों का एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में से किसका आएगा, जीरो ऑर्डर का आएगा या फर्स्ट का, फर्स्ट का, जीरो ऑर्डर में ई की यूज नहीं हुआ था, एलएम था ही नहीं उसमें, तो जीरो ऑर्डर के ग्राफ आपके क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, जबकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके कौन से ऑर्डर में आते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। तो ग्राफ अगर मैं 3-4 बनाऊं और आपसे पूछूं विच वन इज योर फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, तो आप टिक कर दोगे जिसकी कर्व ऐसे टेढ़ी जा रही हो, पैराबोला सा बन रहा हो। क्लियर हुई बात मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं आता, समझ आया अच्छे से? ठीक है, उसके बाद है बेटा डिसोशिएटेड वैल्यू, डिसोशिएटेड वैल्यू क्या कह रहा है बेटा, सिंपल, जब टाइम जीरो था तब इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी मेरी बेटा, ए नॉट, जब थोड़ा सा टाइम मेरा चेंज हुआ तो मेरी कंसेंट्रेशन कितनी बन गई, तो कितनी डिसोशिएट हुई, ये मेरी बची है बेटा, ये मैंने ली थी तो कितनी डिसोशिएट हुई, इनिशियल माइनस फाइनल वही यूज हुई है, तो डिसोशिएटेड वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ए नॉट माइनस ए टी। कोई डाउट बेटा, एटी की वैल्यू आपके पास है, यू विल पुट ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस, बोलो ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी बेटा। क्लियर है, यहां से यू विल गेट ए नॉट कॉमन, क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, दिस इज योर डिसोशिएटेड वैल्यू। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट बचा? अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है, इसको रब करते हैं, हमें सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है आपके यहां से, यस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कितना टूटा, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं ना, तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, इसका मतलब डिसोशिएटेड वैल्यू कितनी है, तो क्या आएगा, डिसोशिएटेड वैल्यू बाय में आपके मार्क्स, बाय में क्या होता है बेटा बोलो, टोटल मार्क्स, टोटल अमाउंट, डिसोशिएटेड वैल्यू कितनी है बेटा, ए नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। क्लियर बेटा, डिवाइडेड बाय में इनिशियल में कितना अमाउंट था, सेम ए नॉट, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, सो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस ई की पावर के टी। जेई मेंस में 2-3 सालों से कॉन्टिन्यू क्वेश्चन आ रहा है आपका डिसोसिएटेड डिग्री में। क्लियर हुई बात, तो आप अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, आपको वैल्यू गिवन होगी, यू विल डू दैट। क्लियर होगी बात मेरी, सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, आपको सिर्फ फॉर्मुलेज पता होने चाहिए, ये फॉर्मुलेज आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, बहुत इजी चैप्टर है, डायरेक्ट फॉर्मुलेज अप्लाई करने हैं,
आप 3 से 4 बार जब डेरिवेशन को करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा आपको याद हो जाएगा अच्छे से, बात समझ आई। तो आपको फॉर्मुलेस पे फोकस करना है, जो मैं फॉर्मुले सारे करा रही हूँ आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। ऑरली क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यू हैव टू सेव टाइम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट ऑर्डर बेटा, ये आज आपका फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट देखें हम के की, लास्ट टॉपिक यूनिट ऑफ के, आपको रेट इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा मैंने, के इंटू इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर 1 बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होती है। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसेंट्रेशन बाय में बोलो टाइम, के इंटू कंसेंट्रेशन की 1, कंसेंट्रेशन से कंसेंट्रेशन कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 बाय टाइम, दैट इज के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपको यूनिट बोल दूं कि मेरी कोई भी एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका यूनिट के का यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है या आर इनवर्स है, तो आप यूनिट देख के भी पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कि फर्स्ट ऑर्डर का जो के है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, क्योंकि टी हाफ बी टी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टाइम पे, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी मेरी बात, 2-4 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन। सेकंड कंप्लीटेशन टाइम फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, दैट मीन्स इमेजिनरी होता है, मतलब आपका एक तरह से रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, बात समझ आई, ठीक है। उसके अलावा आपको डिसोसिएशन वैल्यू याद रखनी है, दैट इज ए नॉट इंटू 1 - e की पावर माइनस ऑफ के टी, अल्फा याद रखना है दैट इज 1 - e की पावर माइनस के टी, ठीक है। ये 5-6 फॉर्मुलेज हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अच्छे से इनका डेरिवेशन करना है। फर्स्ट ऑर्डर पे ही, रिएक्शन पे ही आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में 100%, 70-80 टाइम्स, मतलब ये लगा लो एवरेज अगर हम देखें तो 80-85% एवरेज फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन निकलता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है।